ट्रेन में जब उसकी बहन ने उसे जुलेखा कह के बात की थी तो उसने जवाब दिया था। हाँ यार, इस हिसाब से तो उसका नाम जुलेखा होना चाहिए, लेकिन जब तुमने बात की थी तो वो मानी क्यों नहीं? क्यों मानेगी वो, और मुझे क्यों बताएगी अपना नाम? कह रही थी कि इमरान दिलचस्पी रखते हैं जुलेखा में, फिर हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ी हो गई, बहन होने का वास्ता दिया, अम्मी की कसम देकर कहने लगी कि जुलेखा मेरी झोली में डाल। हाँ तो फिर? अच्छा तो उसके घर पहुंच गया, मतलब सीधा उसके घर? हाँ, दरवाजा खटखटा दिया? दरवाजा नहीं खटखटाया, सीधी बेल बजाई। अच्छा बेल को छोड़िए, बता वो मिली? हाँ मिली। अरे तेरे सदके, वो खुशी में झूम गई होगी वो। नहीं, उस जैसे घूम गई थी, कहने लगी तुम वही हो ना स्टेशन वाले, यहाँ क्यों आए? हाँ तो क्यों गए थे वहाँ? बस ये पूछने गया था कि उसका नाम जुलेखा ही है ना। अबे साले वो तो तुझे पता है ना, असली बात बता। यही है असली बात, वहाँ स्टेशन पे तो मुकर गई थी, यहाँ लेकिन फौरन मान गई कि उसका नाम जुलेखा ही है। अच्छा आगे बोल, जब उसने कहा कि यहाँ क्यों आया तो तूने क्या कहा? मैंने कहा सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मेरा नाम यूसुफ है। फिर तो चौंक गई होगी वो। हाँ शायद, आगे फाड़ फाड़ के देखने लगी मुझे। आगे बोल। आगे क्या? बस कहानी ख़त्म, मैंने स्कूटर स्टार्ट किया और चल पड़ा। है आई लव यू नहीं कहा? आई लव यू? आई लव यू क्यों कहता भाई, मुझे कोई लवशव नहीं है। तो उसकी गाड़ी को देखा, उसकी बहन को देखा, तो मेरे दिल में आया कि यार उसको बता दूं कि मेरा नाम यूसुफ है। क्यों भैया, लवशव नहीं था तो नाम बताने की क्या ज़रूरत थी? ये तो नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि जैसे ही उसको कहा है दिल को तसल्ली सी हो गई। झूठ बोल रहे हो? इससे पहले कभी झूठ बोला है मैंने? तो अब नहीं जाओगे वहाँ? कभी भी नहीं। फोन रखो। क्या हुआ? फोन रख यार, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, फुसड्डी कहानी सुना के मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है तू, रख दे फोन। वजी अहमद, वजी अहमद उठो, उठो वजी अहमद, देखो तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? अरे वो कमबख्त किसी लड़की के पीछे पड़ गया है, उसे आई लव यू बोल रहा है। है? अरे आंखें झपको वजी अहमद, मुझे तो डर लग रहा है। सुना है मैंने क्या कहा? हाँ हाँ भाई सुन रहा हूँ, ये बताओ कि उस लड़की ने जवाबन क्या कहा? जवाब? अरे आपको उस लड़की का जवाब चाहिए? हाँ भाई, जवाब पता चलेगा तो आगे बात बढ़ेगी ना। वैसे तुम भी खुशी की खबर ऐसे सुनाती हो जैसे कोई बम फट गया हो। अच्छा वो देखने में कैसी है लड़की, बताया उसने कुछ? नहीं पूछा होगा ना तुमने। बस यही फर्क है मदर और स्टेप मदर में, इसीलिए रियल मदर से स्टेप मदर एक स्टेप पीछे रहती है। आई लव यू, ओके। खाला ट्रेन में बैठ चुकी, इशा की नमाज में दुआ की थी कि ट्रेन का इंजन फेल हो जाए, नहीं हुआ तो फजर से पहले पंजाब क्रॉस कर लेंगी। और सुनो, अम्मी के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि पूरी बात अली हमजा के कान में फूंक दी गई। क्या पूरी बात? यही कि अम्मी का वोट अली हमजा को मिलेगा। तो क्या तुम इंशाल्लाह अली हमजा को मिलोगी? चलो देख लेते हैं। देख लेते हैं मतलब सरेंडर कर रही हो? नहीं, सोच रही हूँ कि दोनों में से अच्छा कौन है, अली हमजा या इमरान मुगीस। क्या ये हाल है तुम्हारा? वो जो बोल रही थी अब्बा से टकरा जाओगी? बस मैं क्या करूं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो जो कहा करती थी कि अब्बा की नाक के नीचे लव मैरिज करोगी, वो क्या हुआ? करूंगी तो लव मैरिज, बस ये तय कर लूं कि लव अली हमजा से करूंगी या इमरान मुगीस से।
अरे मुझे याद आया, रात तुम मुझे जगा रही थी, मुझे बहुत गहरी नींद आई हुई थी और शायद मुझे याद पड़ता है तुम यूसुफ के बारे में कोई बात कर रही थी। हाँ, किसी लड़की का जिक्र। बेटा क्या बात है, आज स्कूल नहीं जाना, इतनी देर हो गई। मैं संडे को स्कूल नहीं जाती और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो बातें आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं ना, मैं उसे डायरेक्टली पूछ लूंगी। ज़बान देखी इसकी कितनी चलने लगी है। वही देख रहा हूँ। वही सिखाता होगा उसको यूसुफ, इसका सौतेला भाई। यही तो फर्क होता है सगे और सौतेले में। हैदराबाद का स्टेशन है, अब 2 घंटे में कराची पहुंच जाएंगे। मंगनी करेंगे क्या? मेरा मतलब है, बात अगर पक्की हो गई थी तो लाहौर से अंगूठी खरीद ली होती। जरूरत पड़ेगी तो अंगूठी कराची से मिल जाएगी। मैं समझा नहीं अम्मी, कोई खच्चे वाली बात है? मतलब ये भी हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। हाँ, वो नहीं मान रही, उसने इनकार नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे खालू ने कौसर परवीन से हाँ कर दी है। कौसर परवीन? सुलेखा की पुप्पो। वो कमीने इमरान मुगेश की अम्मी? हाँ। तो गोया चांस पे जा रही हैं खालू माने ठीक, वरना कल परसों वापसी। वापस नहीं जाऊंगा अम्मी, 10 दिन की छुट्टियां लेकर आ रहा हूँ। घबराओ मत, अब की बार मैं भी कहीं नहीं जाने वाली। अब तुम्हारी खाला ने तो कहा है कि जब तक हाँ ना कह दे जम के बैठी रहना। पर बेटा अब की बार तुम भी तो कुछ करके दिखाओ। क्या करके दिखाऊं? 2 कदम आगे बढ़ो। यहाँ ट्रेन के अंदर? रुक जाओ। 2 कदम आगे बढ़ने का मतलब 2 कदम चलना नहीं है। क्या करूं अब मैं तुम्हें, कैसे समझाऊं? नहीं आप समझाएं, मैं समझ रहा हूँ। तो समझ लो, अब की बार तुम्हें साफ साफ जुलेखा से कहना होगा कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। अगर उसने हाँ कह दी तो समझ लो इमरान मुफीज की तो छुट्टी हो जाएगी। हाँ कह दूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है अम्मी, सलाम के फौरन बाद वो मुझे अली भाई कह देती है। इशारे से पास बुलाओ तो फट से आके कहती है जी अली भाई। यहाँ मैं क्या करूँ अम्मी, मैं तो शर्म से मर ही जाता हूँ। क्या लाए हो? कुछ नहीं, 2-3 कुर्ते पजामे लाए हूँ। मैं पूछ रही हूँ खाने में क्या लाए हो? खाने में चने और दाल से। लाओ मुझे दो। कहाँ की है? कौन? अरे यार वो लड़की किसी अच्छे खानदान की है ना? उसकी बात कर रहे हैं आप? वही जिसको आई लव यू बोलकर आए हो। बस ये बता दो कि आई लव यू के जवाब में उसने तुम्हें क्या जवाब दिया। ये आई लव यू वाली बात किसने बताई आप? अरे मुझे कौन बताएगा यार, मेरा गैस है, बाप हूं तुम्हारा, तजर्बेकार हूं। हाँ, और बेटा क्या चाल चलने वाला है। पहले पता होता है बाप को कि बेटा क्या चाल चलेगा। ऐसे ये आड़ी टेढ़ी बात तो तुम्हारी माँ के मुंह से निकल गई, जभी तो तुमसे बात कर रहा हूं, वरना मैं तो तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ने के चक्कर में था। देखा? क्या देखा? स्टेप माँ का स्टेप। बको मत, अगर तुम्हारी माँ होती ना वो भी मुझे इसी तरह जगा कर बताती, बल्कि वो सबसे पहले तुम्हारे मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर। नहा लूं? नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दो। वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, किस खानदान की है, क्या नाम है उसका? अब्बा ऐसी वैसी कोई बात नहीं। ओ यार ये तो पुराना जवाब है, जब तुम्हारी माँ से मेरी बात चली थी ना तो मेरे अब्बा ने भी पूछा था, तो मैंने उनसे ये कहा था अब्बा ऐसी वैसी कोई बात नहीं, हालांकि बात थी। मैं सही बता रहा हूँ अब्बा, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है वाकई। अच्छा सुनो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि आई लव यू के जवाब में उसने क्या कहा, बाकी मैं खुद समझ जाऊँ। बस सबसे पहली बात तो है कि मैंने उसको आई लव यू कहा ही नहीं।
और अगर कहते ना तो आपकी कसम मुंह तोड़ देती मेरा। इसका मतलब है किसी अच्छे घर की है। जाओ ना हो। पच्चीस साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक हमें एक दूसरे से मोहब्बत नहीं हुई। अपनी बात करो आफिया बेगम, मुझे तो पहले से मोहब्बत थी। खैर, मुझे तो आपने होने ही नहीं दी। जब जब सोचा कि आज कह दूंगी, कर लूंगी मोहब्बत, तब तब आपने कोई ऐसी दिल जलाई की या कौशल परवीन बीच में आ धमकी। शादी के 15 दिनों के अलावा बाकी की सारी उम्र इसी इंतजार में गुजर गई कि पता नहीं कब तलाक हो जाएगी। पर यह नहीं मालूम था कि 25 साल बाद होगी तलाक। सच कह रही नूर मोहम्मद साहब, इस बार जो फसाद खड़ा हुआ है उसका अंजाम यही होगा। फसाद कौन खड़ा कर रहा है? आप और आपकी कौसर परवीन। 25 साल बाद कौसर परवीन का तीर सीधा आकर निशाने पर लगा है। इमरान मुगीस और जुलेखा के रिश्ते का टंटा है। ये टंटा तो खैर 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। 2 घंटे बाद क्या करोगी? आपका ख्याल होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं करके दिखाऊंगी नूर मोहम्मद साहब। रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं होने दूंगी। तो मर्जी क्या है उसकी? किसी और को पसंद करती है? बोलो कौन है वो, नाम क्या है उसका? आप बैठकर बात करें मुझसे। शरई हुक्म है कि लड़की की मर्जी का ख्याल रखा जाए। तुम लड़के का नाम बताओगी या मैं जुलेखा से पूछूं जाके? अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम सलाम। हाय अली भाई। अरे अस्सलामुअलैकुम मेरी लाडली। मेरी जान कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप कैसे हमजा भाई? अच्छा हूँ बिल्कुल। अरे कुसुम अख्तर तुम आ गई, जाना कैसे? कैसे बेटा? हाँ ठीक हूँ। वालेकुम सलाम, जीते रहो। वेलकम ब्रो, ज्यादा दिनों के लिए आए हो ना? हाँ वेरी गुड, खूब मजे करेंगे। चलो अंदर जमीला संभाल रखो। अंदर तुमने क्या कहा था कि तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है, है ना? हाँ 3 बार कहा। 3 दफा के तकद्दस को जानते नहीं हो तुम भाई। इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी? उसको ढूंढा क्यों? उसके घर क्यों गए? और उसको ये क्यों बताया कि तुम्हारा नाम यूसुफ है? यार मुझे लगा कि मुझे उसे बताना चाहिए। मैं जान के चढ़ गया था कि उसका नाम जुलेखा क्यों है। है? तो फिर तुम्हारा नाम यूसुफ क्यों है? राजीव भाई। हाँ चाय। कसम खाओ कि अब दोबारा उससे कभी नहीं मिलोगे। लगी ना? लगेगी बेटा, तुमसे कसम नहीं खाई जाएगी, क्योंकि तुम्हें तो पहली नजर में उससे प्यार हो गया था, और जब तुम्हें पता चला कि जुलेखा नाम है उसका, तो तुमने समझ लिया कि वो तो उतरी ही तुम्हारे लिए है। वैसे क्या बताया था क्या करते हैं उसके अब्बा? ये तो नहीं मालूम कि क्या करते हैं। ये बताया था कि दाढ़ी है उनकी। यार ये कब बताया तुमने? बताया था ना, और उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मजहबी किस्म के लोग हैं, पूरी निगाह रखते हो।
कोई भी उल्टी सीधी हरकत करते हुए पकड़े गए तो मार दी जाओगे। कम ऑन यार, मैंने कह दिया ना अब नहीं जाऊंगा वहां, और मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है उससे। इस बात पे डटे रहना और हिम्मत करके कसम भी खा लेना, क्योंकि तुम्हारा जाना उससे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है दोस्त। दाजी भैया। हाँ। सूजी का हलवा। हलवा? हलवा? अपने लिए बनाया था, सोचा आप दोनों को भी दे दूं। आ जा। आपको पता है नूर भाईजान, इस बार मैं इतनी जल्दी क्यों आई हूं? खाना खाते हुए बातचीत नहीं किया करते। यूं करो ना, तुम्हें जब बात करनी हो तो मुंह वाला मत डालना। अब बताओ क्यों आई हो इतनी जल्दी? कुछ मांगने। तो मांगो। देख लीजिएगा भाई साहब, फिर कोई इनकार नहीं सुनूंगी। ये मांगने का कोई तरीका भी है? फट से कह दो भाईजान दे दीजिए। देख लीजिए, फिर बहाना नहीं सुनूंगी। अरे कोई तुम्हारे साथ बहाना नहीं करेगा, बस जो चाहिए मांगो और ले जाओ। देखा, दिल से दिल को राह होती है। चली गई ना शर्माकर। शर्माकर? क्या कह रही हो तुम? वो क्यों जाएगी अचानक शर्माकर? भाई जब बात इसके दिल में है तो खुदा ने उसके दिल में भी दी होगी, और खुदा जब तय कर लेता है ना तो बात भी दिल में डाल ही देता है। सीधी बात करो कुलसुम अख्तर, तकरीर ना करो। देखिए जुलेखा ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है ना, तो अब उसको भेज दीजिए उसके घर। और इसको भी बहुत शौक है कराची में रहने का, कह रहा था शादी के बाद यहीं सेटल हो जाएगा। बहुत सी ऑफर्स भी आई हैं इसको। भाई मैंने तो ऑफर सुनते ही कहा ऑफर कबूल करो और यहाँ से निकलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं भी यहीं कोई घर ले लूंगी और अपना वो लाहौर का घर मैं किराए पे उठा दूंगी। मुनासिब ख्याल। तो फिर बात पक्की समझो। कौन सी बात? लो आप अब तक समझे ही नहीं। चलो तुमने खाना खा लिया हो तो जाओ यहां से। अब तो समझ गए ना भाई? मैं तो ये समझा हूं कि तुम जुलेखा के ब्याह की बात कर रही थीं और बीच में तुमने अली हमजा के कराची सेटल होने और उसकी नौकरी की बात शुरू कर दी। तो दोनों ही मुनासिब ख्याल हैं। खैर कब कर रही हो अली हमजा की शादी? आप जब हुक्म करें। ऐसा है कि दोनों खालाजाद हैं और एक दूसरे से लगाव भी है। मेरा ख्याल है कि एक दूसरे की शादियों पे होना तो चाहिए, तो यूं करते हैं कि 2 महीने के वक्फे से दोनों की शादियां रख लेते हैं। मेरा मतलब यह है कि 2 महीने के बाद जुलेखा की शादी है, उसके ठीक 2 महीने के बाद अली हमजा की शादी रख लो। अगर तुम्हें 2 महीने बाद कोई एतराज है तो अपनी बहन से मशवरा कर लो, जैसे ये कहेंगी वैसे कर लूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरे शुक्र मेरे मालिक, तूने रिस्क हलाल अता फरमाया। अब खाना तो खा लो। इमरान मुगीस वो भी आ गया? वो नहीं आया।
लेकिन लगता है अब वही आएगा। तो अब्बा ने खाला को इनकार कर दिया? इनकार नहीं किया, खाला के मुंह पे हथौड़ा मार दिया। हाँ, अब्बा ने खाला के मुंह पर हथौड़ा मार दिया? रुक। हथौड़ा मार दिया मतलब मुंह तोड़ जवाब दे दिया, साफ कह दिया कि सुलेखा की 2 महीने बाद शादी है। किससे? इमरान मुगीस से। और किससे? हंस क्यों रही है? क्योंकि मैं इमरान मुगीस से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब्बा तुम्हें चिड़िया बना के उसके पिंजरे में डाल देंगे। डराओ तो मत। अरे रुको रुको, तो क्या तुम अली हमजा से शादी करना चाहती हो? तुम बताओ, अली हमजा से कर लूं? इमरान मुगीस से करूंगी तो पुप्पो फ्री में मिलेंगी जो मुझे नहीं चाहिए। अब तुम फिसल रही हो जुलेखा। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दुआ करो मुझे अली हमजा से मोहब्बत हो जाए। बाको तुमसे नफरत हो जाएगी। वो तो हो जाएगी, लेकिन मुझे कोई तो बताए कि मैं क्या करूं। मेरे एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। मैं कुएं में गिर जाऊंगी हाजरा, लेकिन खाई में नहीं गिरूंगी। रोना बंद करो, आंसू पोंछो और देखो अब वो तुम्हें डांट दे, खुले बंदो इनकार कर दे, या भड़क कर कह दें कि चली जाओ यहां से। तुम हिम्मत नहीं हारोगी, अपने मुताबले पर डटी रहोगी। डटी रहूंगी। जरूरत पड़े तो हाथ जोड़ देना, सबके सामने पांव पड़ जाना और साफ कह देना कि जुलेखा का रिश्ता लिए बगैर मैं नहीं जाने वाली। कह दूंगी, लेकिन वो फिर भी ना माने तो? उनके तो अब्बा भी मानेंगे। तुमने मेरी जिद नहीं देखी, उन्होंने देखी है। लेकिन तुम भी तो अली हमजा को समझाओ, वो मुंह भर के अली भाई कह देती है और वो चुप साथ को सुनता रहता है। अरे बाजी समझा कर तो आई हूँ और साफ कह भी दिया है कि लड़की से ताल्लुकात बनाओ। खबरदार, ताल्लुकात बनाने की बात भी ना करना। विनत भी पड़ गई तो फतवा दे देंगे, फाहशी के इल्जाम में मार डालेंगे। हाय मैं मर गई। लेकिन ऐसे को डरने वाली बात भी नहीं है, मैं हूं ना। आप कहाँ हैं बाजी? बात मेरे अली हमजा के फतवे तक आ पहुंची है, आप तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। जब मैं बोलूंगी ना तो आंधी और तूफान आएगा। शेख साहब की टांगे ना कांप गई तो मेरा नाम भी आफिया बेगम नहीं। अब भाई साहब जरा रास्ते में। अरे 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 लड़की, कौन हो तुम लड़की? खैर कौन हो ये छोड़ो, ये बताओ कि इस बोगी में कैसे घुस आई? गलती से, मुझे नहीं पता था कि इसमें बारात जा रही है। बारात है ना? उतरो। कैसे उतरूं? ट्रेन तो सरपट भाग रही है। कहाँ जाओगी? कराची। 40 मिनट बाद ट्रेन रुकेगी अगले स्टेशन पे, उतर जाना। वहां तो उतर ही जाऊंगी। बैठ जाओ। कहाँ बैठूं? यहाँ तो कोई सीट खाली नहीं है। अपना बैग जमीन पर रखो और उस पर बैठ जाओ लड़की। बैग पर कैसे बैठूं? इसमें मिठाई है, मिठाई तो हलवा बन जाएगी। ठीक है फिर यहीं खड़ी रहती। खैर जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इन 40 मिनट में इधर उधर ताक झाक करने की जरूरत नहीं। मैं ऐसी लड़की भी नहीं हूँ। हाँ जैसे मैं लड़कियों को जानती ही नहीं, तकरार की कोई जरूरत नहीं।
मेरी नसीहत पर अमल करो। जी यूसुफ, तुम ऊपर जाकर लेट जाओ। जो अंदर तुम्हारी मां बता रही है कि तुम्हें इमरान मुखीस पसंद नहीं। जी का मतलब वो पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई और पसंद है। जी का मतलब जी हाँ। कौन है वो, नाम बताओ उसका, नाम बताओ। यूसुफ। मदिया। हाँ। ओ मदिया, कोई बुखार की दवाई वगैरह है, टैबलेट? बुखार हो रहा है? देखा, बुखार मुझे नहीं हो रहा है, वो यूसुफ को हो रहा है। कमीना तप रहा है बुखार से, देखो जरा। अच्छा मैं कमरे में चेक करके आती हूँ। हाँ मिली? नहीं। अच्छा चलो मैं बाहर से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तुम अभी इसको चाय मत देना। मैं काय बुखार की गोलियां दे दो मुझे। क्या बात है साले, बड़ी खिदमत कर रहे हैं मेरी। आंखें खोलो, मैं मदिया हूँ। ताजी बुखार की दवाई लेने गया है। बुखार ज्यादा है तो मैंने सोचा ठंडे पानी की पट्टियां कर देती हूँ। उठो मत। लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। याद है स्कूल में जब मुझे 2-3 दफा चोट लगी थी तो पट्टी तुमने ही करवाई थी, समझो उसी का एहसान उतार रही हूँ। कुछ खाया है? खाया तो नहीं है लेकिन। कहा ना लेकिन कहने की जरूरत नहीं। भूख लगी है? नहीं। अच्छा बुखार कब से है? रात से है शायद।
बारिश की फुहार पड़ी होगी। हाँ, खिड़की खुली रह गई थी ना। मदिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये। क्या? यही कि दाजी दवाई लेने गया और तुम ये सब कुछ कर रही हो। ये सब मतलब? मतलब ये ठंडे पानी की पट्टियां मेरे माथे पर रख रही है। कहा ना, पुराने वक्त का कर्जा उतार रही हूँ। तुम्हारे नए गाने की ट्यून सुनी है मैंने, मेलोडी है उसमें, है ना? हाँ। पहले तो मेलोडी नहीं हुआ करती थी, और अब लगा कि मेलोडी के बगैर गाना ही नहीं होता। जैसे जैसे मोहब्बत के बगैर जिंदगी नहीं होती, मोहब्बत भी तो जिंदगी में मेलोडी की तरह होती है कि नहीं? हाँ। हुई किसी से? सच बोलना। मदिया, तो मेरे दोस्त की बहन, और दोस्त की बहन भी तो दोस्त हो सकती है। क्या हुआ? दाजी आ गया। तो उसे मेरा यहाँ होना अच्छा नहीं लगेगा। देखा है ना, जब घर आते हो तो इस कमरे का दरवाजा बंद रखता है वो। अरे हमजा भाई, यहाँ क्यों खड़े हैं आप? आपका इंतजार कर रहा था। आपका? ये तुम, तू, अरे जुलेखा, इनमें आप कैसे आ गया? बोलिए, इंतजार क्यों कर रहे थे आप? आवाज देके बुला क्यों नहीं लिया? आवाज देके कैसे बुला लेता, सबको पता चलता कि बुला रहा हूँ। तो छुप कर मिलना चाहते थे? ऊपर चले। जी हाँ, आइए। कुछ देखा बाजी? क्या? वो दोनों ऊपर गए। कौन कौन? ये सुलेखा और अली हमजा। क्या करने गए हैं? हेलो, तो छुप कर क्या करना था आपको? बातें तो कीजिए। बात पहले तो आप मुझसे वादा करें, आज के बाद आप मुझे हमजा भाई नहीं बोलेंगे। क्यों? हम दोनों की शादी होने वाली। जी नहीं, किसी ने झूठ कहा है आपसे? हो तो सकती है ना, वैसे मुझसे किसी ने कहा तो नहीं। अम्मी ने कहा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि खालू की मर्जी से हो गया। इसका मतलब समझते हैं आप? मतलब है नहीं हो सकती। हम दोनों में मरासिम हो जाए तो हो सकती है। मरासिम? मेरा मतलब है अफेयर। अच्छा, अफेयर भी मत करें, खालू के सामने डट के कह दें कि मैं तो अली हमजा के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन जब लाहौर से निकला था तो हल्का हल्का बुखार था उस वक्त। सुना है कि बुखार मोहब्बत की पहली सिम्टम होती है। मतलब जब प्यार होता है तो पहले बुखार होता है? सुना तो यही है। तो आपको मुझसे प्यार हो गया है? कहा तो यही है। सोच लीजिए। अरे क्या बात कर रही हैं आप, अच्छी तरह सोच कर और फैसला करने के बाद निकले हम। और अम्मी ने भी साफ कह दिया था कि बेटा लाहौर से निकले हैं तो जुलेखा को लेकर ही आएंगे। अम्मी ने कहा? जी हाँ। और आपने क्या कहा? मैं तो पहले ही इस तरह की बातें सोच रहा था, अम्मी ने बात छेड़ी तो फौरन कह दिया, जैसी आपकी मर्जी। गुड, लेकिन बॉल अब आपकी कोर्ट में है, अब आप भी तहिया कर ही लीजिए कि नहीं रहेंगी मेरे पास। मैं ये कैसे कह दूँ, पहले आपकी मोहब्बत का यकीन तो आए। तो अभी तक आपको यकीन नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया, लेकिन मोहब्बत में थोड़े यकीन से काम नहीं चलता। शुरू शुरू के मरासिम में तो यही होता है, थोड़ा यकीन, थोड़ी बेयकीनी। अरे नहीं नहीं, मोहब्बत तो पूरे यकीन से शुरू होती है, मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर एक कह दे कि जान दे दो, तो दूसरा जान दे के कहता है ले लो, जान दे दी। जान दे दी तो फायदा?
मतलब वो तो गया, लड़की तो शादी कर लेगी ना किसी और के साथ, और हंस हंस के अपने शौहर को बताएगी कि अल्लाह बख्शे एक ऐसा भी था जो मर गया उसके लिए। अरे नहीं, आपसे ये नहीं कहूंगी, मरिए मत, मार दीजिए। क्या? इमरान मुखीज का मर्डर कर दीजिए। दिमाग तो ठीक है आपका, मोहब्बत करने वाले को आप उजरते कातिल समझती हैं? क्या है कि आपको मोहब्बत का तजुर्बा नहीं है, वरना मोहब्बत तो खून खराबी का दूसरा नाम है। मैं समझाती हूँ क्या होता है मोहब्बत में। क्या होता है? आदमी किसी पर मर मिटता है, दिल उस पर फिदा हो जाता है, अगर वो नजर ना आए तो मौत आ जाएगी, कहीं चला गया तो लगता है जान जाएगी। जी हाँ, ये तो समझता हूँ। हाँ समझते हैं आप, जाकर जिसने भी मर मिटने, फिदा होने, मौत के आने, जान के जाने का मतलब ढूंढिए। चारों तरफ खून खराब है हमजा भाई। भाई सीधी बात है, अगर आप मर्डर करने पर राजी हो जाएं, तो मैं भी कहने पर राजी हो जाऊंगी, वरना भाई के भाई रहेंगे। बात तो चल निकली है अम्मी जान, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पहुंचेगी कहां तक। उनके नजदीक मोहब्बत खून खराबे का नाम है, अपनी जान दे दो या किसी की जान ले लो। किसकी शय पे इतना डट के बात कर रही हो? नाम जुलैखा है तुम्हारा, नाम रख लेने से कोई यूसुफ थोड़ी मिल जाएगा तुम। कम वक्त को मोहब्बत हो गई किसी से, और जिससे हुई है उसके फरिश्तों को भी खबर नहीं। कौन है? मैंने इमरान मुगीस से तुम्हारी शादी तय की।